कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ पद्मा आर्या हैं, जिन्होंने अभी पर्चा दाखिला किया। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या कहें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारी हूँ जीत सकती हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगा? महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के लिए और विकास के लिए, महंगाई के लिए हमारी पार्टी उतरी है जमीन पे और वही हमारे मुद्दे रहेंगे। बलरामपुर सदर विधानसभा में जिस तरीके से, चाहे सड़क हो, क्योंकि ये मुख्यालय है, यहाँ पे शिक्षा तो थोड़ा ठीक ठाक है जी, लेकिन सड़क को लेकर के ले लीजिए, क्या क्या बुनियादी यहाँ पे समस्या है आम जनता की? आम जनता की सबसे बड़ी समस्या ये तो है कि रोड, सड़क, पानी, शुद्ध पानी, गंदगी, ये तो सब आप गली गली में जाके देख सकते हैं। कोई सफाई नहीं है, रोडें सब टूटी फूटी हैं। किस तरह गांव में जाते हैं आज भी वही कीचड़, दलदल। बारिश का समय आप जाके देखें, क्या इतने सालों में क्या कोई विकास नहीं हुआ? क्या कोई सड़क नहीं बनी? अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ रोडों की है, सड़कों की है। आज तक कोई सड़क पे कोई भी विकास नहीं हुआ। आप एक महिला हैं, आपको टिकट मिला है, आपके सामने बीजेपी के मंत्री परशुराम साहब जी, पूर्व विधायक जगराम पासवान, इन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ेंगी आप? अब वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। अच्छा, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे जो सारे हमारे अधिवक्ता भाई हैं और सब लोग हैं, हमें सभी सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हम लड़की हैं लड़ सकते हैं का नारा है, तो महिलाएं हैं तो हमारे साथ महिला भागीदार हैं। इस समय 2022 में युवाओं का सबसे अहम रोल होगा वोटर का जी, युवा आपके साथ किस तरीके से, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, किस तरीके से? युवाओं को पता है कि महंगाई क्या है, समस्याएं क्या है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो उन सबको अच्छे से भली भांति 5 सालों में बेचारे जो उन्होंने यातनाएं झेली हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा। इसलिए युवाएं आगे बढ़ के और आगे आएंगे और हमारी पार्टी सर्दी और गर्मी से भर्ती की बात तो देख सकते हैं। ये हैं बत्ता आर्या, जिनका साफ कहना है कि ये 2022 की जो चुनाव है वो बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी और कुपोषण पे होगा, और जनता 2022 में जो मौजूदा हुकूमत है उसको उखाड़ कर फेंकेगी और 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी, तब जाकर के आम जनता का जो बुनियादी समस्या है उससे निजात मिल सकता है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।